से मिक्स करते हैं और इस चीज के आसमान किस कदर खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, आप तो हमें भूल गई शगुफ्ता, आपका इंतजार कर रहे थे बच्चे साथ। ना हमजा डालो, आपने क्या लेना है, चिप्स लेने हैं, थोड़े से चिप्स लो। बेबी जलेबी, तुम्हें हम याद आ गए बेबी है। Assalamualaikum, welcome back to my vlogs. Another day started and today is avocado toast day. इतनी शिद्दत से मेरा ये खाने का दिल कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मेरे घर में सिर्फ मैं ही ये शौक़ से खाती हूँ। बस फिर मैंने एवोकाडो लिया आधा, उसे अच्छी तरह से मैश किया, उसके अंदर पेपर एंड सॉल्ट डाला और उसको मिक्स कर दिया। फिर एक टोस्ट पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिया, दूसरे पे लगाने लगी तो मुझे लगा ओहो ये तो कम पड़ गया। फिर हमने पहले टोस्ट से थोड़ा सा उधार ले लिया कि चलो थोड़ा सा दे दो, दो टोस्ट में पूरा करते हैं। आराम से बैठे, थोड़े से ग्रेप्स लिए और बस ब्रेकफास्ट किया। आज मामा ने आ जाना था तो मैंने कुकिंग करनी थी, थोड़े से बाहर के काम थे, ईसा को बाहर लेके जाना था, तो मैंने कहा अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का दिन होने वाला है बहुत बहुत बिजी। मैं बस जा रही हूँ ईसा के ब्लेज़र का साइज़ चेंज करवाने के लिए, खरीद तो हमने लिया था, हाँ ये ले आओ, लेकिन ईसा कह रहा है बहुत, हाँ बंद कर दो, जाते जाते भी ईसा कह रहा है कि साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैंने उसे छोटा करवाने जाना है। एंड मामा को भी अभी मेरी खाला ने छोड़ने के लिए वापस आना है, तो मैं सोच रही हूँ डिनर के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो आई एम गोना मेक रैप लज़ानिया एंड चावल एंड शायद हम साथ में गार्लिक ब्रेड बना लूँ, आजकल मैं गार्लिक ब्रेड खुद से बनाती हूँ, तो बस ये करना है। अब बस फटाफट से निकलते हैं, बस अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं यूनिफॉर्म शॉप पर। इसका ये रहा ब्लेज़र तुम्हारा, ये पकड़ो एंड ये रिसीट है। चलो चले जी, अब चलते हैं और इसका ब्लेज़र चेंज करवाते हैं। चलो अच्छा हाँ चलो, बस अब चलते हैं, मैंने एक दो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं एंड फटाफट घर चलते हैं और कुकिंग करते हैं। बास्केट नहीं ना लेंगे, दूसरी वाली ट्रॉली लेंगे। बस अब हम आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, फटाफट से चीज़ें लेने के लिए। आओ ईसा, पता नहीं किसको देख रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा। चलो कॉइन पकड़ा हुआ है ना आपने, बस जी दूध लेना है, ब्रेड लेनी है, किचन टॉवल लेना है एंड पोटैटोज लेने हैं, बस ये चीज़ें लेनी है हमने। क्या कर रहे हो, ऊपर से डालते हैं। चलो चलो आज तो ना मौजा ही हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा क्विकली शॉपिंग की, लाइक 10 मिनट में हम इन एंड आउट थे। दो चार चीज़ें जो मैंने उठानी थी वो थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, लेकिन बहुत क्विकली शॉपिंग की, क्योंकि मुझे था मैं घर जाऊँ, घर जाके बच्चों को लंच दूँ और फिर डिनर की तैयारी करूँ, तो फटाफट सारा कुछ हमने किया यहाँ पर और फटाफट से चीज़ें उठाई, फटाफट से बैग में डाली और फटाफट से वापस डाली। सारी शॉपिंग हो गई है, अब घर चलते हैं। नहीं तो तीन चार चीज़ें थी, 8-10 चीज़ें ली हैं, फटाफट से गाड़ी में डालते हैं और घर चलते हैं। ये थोड़े से मशरूम्स लिए, इनको हल्का सा सॉटे करेंगे, साथ में मैं इसके डालूंगी पेपर्स और अनियंस। ये मैं लज़ानिया की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैंने चिकन का और रैप्स का लज़ानिया बनाना है। ये देखें श्रिंक होके इतने से रह गए हैं, बस इनको इतना ही करना है और नहीं करना। अब मैं इसमें डालती हूँ पेपर एंड अनियन। ये अब इसमें मैंने डाल दिया प्याज और पेपर्स, बस अब इनको भी हल्का सा करेंगे और बस फिर चिकन रख देंगे इसी सेम पतीले में। ये लें जी, ये हो गई हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं और चिकन डालते हैं। ये मशरूम्स मैंने इधर रखे हुए हैं, थोड़े से मशरूम्स मैंने ईसा के लिए रख लिए हैं कल सैंडविच बना के देने के लिए। ये अब चिकन के अंदर सारे मसाले और दही, मेरे पास दही बना पड़ा हुआ था धनिया पुदीने वाला, वो थोड़ा सा मैंने डाल दिए
अब मैं इसको बस पकने रखूँगी, ये पक जाए तो फिर इसके अंदर ये मिक्स करेंगे, थोड़ी सी वो डालेंगे पास्ता सॉस वगैरह, थोड़ी तो नहीं, थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी सॉस डलेगी एंड बस फिर लेयर इन करेंगे। अब बस मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, किचन मैंने सारा साफ कर दिया है, चिकन की कुकिंग हो रही है, बस वो कुक हो जाए तो बस फिर लज़ानिया की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। नमाज पढ़ लूँ फटाफट, नमाज पढ़ के फारिग हो जाऊँ, फिर असर हो गई होगी, मगरिब बस पढ़नी होगी, फिर उसके बाद जब मगरिब का टाइम होगा तब तक बाकी सारे काम हो गए होंगे। एक तो जो मेरी ऊपर फ्लैश लाइट्स लगी हुई है ना, मुझे बड़ी बुरी लगती हैं, बार बार ये देखिए ऐसे आती हैं, ज़रा सा मैं हिल जाऊँ तो। ये अब तुम्हें नीचे से सारी चीजें उठानी पड़ेंगी जिस तरह से तुमने बीच में डाला है, ये भी जाने। जितनी देर में चिकन कुक हो रहा है उतनी देर में मैंने कहा ये कपड़े इस्त्री कर देते हैं, वरना मेरी मामा ने घर के अंदर बाद में एंटर होना है और कपड़े इस्त्री करने पहले लग जाने, तो इन्हें फटाफट से खत्म करते हैं। ये लें जी, अब चिकन पूरा ड्राई हो गया, अब बस इसमें सॉस और ये वेजिटेबल्स डालते हैं। ये सॉस डाल दी है मैंने, साथ में अब ये सारी डाल देते हैं। अब मैं मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कि अगर और सॉस की ज़रूरत है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सॉस और डालनी पड़ेगी। इसमें अगर आप चाहें तो स्वीट कॉर्नस भी डाल लें, जो भी वेजिटेबल्स आपने डालनी है यू कैन ऐड। थोड़ी सी सॉस और डालते हैं, ये देखिए मैंने हल्की सी सॉस और ऐड की है, इसे मिक्स करते हैं। और इस चिकन में से भी ये देखिए मैंने इतना सा चिकन निकाल लिया था, ये कल बच्चों के सैंडविचेस में किसी भी चीज़ में काम आ जाएगा, रैप्स बनाने के लिए। ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रखते हैं, बस अब इसको हल्का सा करेंगे और लेयरिंग कर देंगे। फिर मैं ऐसे काट देती हूँ ना, फिर तुम बाकी काट देना, बट ध्यान से काटना ओके? हमज़ा को ना बहुत शौक है मेरे साथ आके किचन में हेल्प करवाने का, और स्पेशली अगर कभी मैं यूँ चिप्स काट रही हूँ तो ये फ़ौरन पहुँच जाता है कि मैं कटिंग कर देता हूँ सारी, और मैं भी इसे अप्रिशिएट करती हूँ ताकि इसे थोड़ी सी आदत पड़े काम करने की। अब ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि बड़े हो रहे हैं तो इन्हें थोड़ी थोड़ी आदत पड़े मेरे साथ किचन में हेल्प करवाने की। Yeah.
ध्यान से. Should I just put the chips there? Yeah, side. I think I should make the chips a little thicker. हमज़ा के किचन में आने से मेरी इतनी हेल्प हो गई कि चिप्स काट रहा था उतनी देर में मैंने फटाफट सोचा कि मैं टेबल लगा देती हूँ सारा ताकि मेरा टेबल डन होगा. लज़ानिया ऑलरेडी ओवन में था तो मेरे लिए ना बड़ा आसान हो गया सारे काम को मैनेज करना, वरना मैं साथ साथ ना बीच बीच में जितना चिप्स कढ़ाही में डाले उतनी देर में टेबल लगा दिया. मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है तभी काम कम्प्लीट होते हैं. टेबल लगाते लगाते मुझे याद आ गया कि मैंने तो वॉशिंग मशीन भी चलाई हुई थी और वो बंद हो गई हुई है, तो मैंने कहा चलो ये कपड़े भी निकालूं, ये भी फटाफट खोलूं, वरना इनमें ना अगर मशीन के अंदर एक दो घंटे भी कपड़े रह जाएं तो उनमें स्मेल सी आने लग जाती है, फिर मुझे दोबारा वॉश करने पड़ते हैं. तो मैंने कहा ये भी निकाल के फटाफट इसको भी डन करते हैं. बच्चों वाले घर में ना कपड़े नहीं कभी भी ख़त्म होते हैं. अभी अभी मैं इस्त्री करके हटी हूँ कपड़ों को. ये वॉशिंग चलाई थी मैंने जो कि अब मैं कपड़े निकाल के गीले कपड़ों को खोलने लगी हूँ स्टैंड के ऊपर. और ये कोने में शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, अभी मैं उठा के मशीन के अंदर डालूंगी. अगले कपड़े भी रेडी हुए हुए हैं धुलने वाले. तो मुझे तो लगता है मेरे घर में ना जैसे बस मशीन पे मशीन चलती ही रहती है, जैसे मैं कोई लॉन्ड्रेट होती हूँ. हर वक्त मशीनें चलती हैं, कपड़े धुलते हैं और कपड़े इस्त्री होते हैं और कपड़े सूखते हैं. My feet hurt from walking and playing and... Yeah, but then I had to walk around the whole house and clean it. And then I would have to stand up for like 20 minutes, but I wanted to do this, so it's not fun. Do you want me to do anything for you? Yeah. Or can I help do the, you know, the potatoes? Can you help get anything done? Huh? Yeah, I'm getting them done. Can I help? There's still more. Mama, can I? No. Can't take it. ये वाली ले लो ना. Okay. You should get the wood. तुम उधर चले जाओ साइड पे, या इधर आने. हमजा तुम मुंह को थोड़ा सा इधर. माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने नज़रें बद से बचाए. हम ईसा भी मेरे पास आया पूछने के लिए कि अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कर देता हूँ. तो ईसा ने भी आके फिर चिप्स हमज़ा के साथ काटने शुरू कर दिए. दोनों माशाल्लाह इतने प्यारे मुझे लग रहे हैं ना इस टाइम पे. अल्लाह मियाँ इनको हर तरह की बुरी नज़र से बचाए. प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए माशाल्लाह कहें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी किस्मत नसीब बहुत अच्छे करें. ये लें जी, अब चिप्स सारे कट गए हैं और ये मैं फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ कढ़ाही के अंदर. एक तरफ मेरा पानी उबलने के लिए पड़ा हुआ है जो मैंने चावल बॉईल करने हैं जो बिरयानी के अंदर ऐड करने हैं. तो बस ये मैंने इनका पानी ड्रेन किया क्योंकि मैंने भिगो के रखे हुए थे. एक कप ये चावल है, थोड़े से है, फटाफट बन जाएंगे. और ये मैंने पतीले में डाले हैं ताकि ये भी बस अब रेडी हों. लज़ानिया ऑलरेडी ओवन में है तो बस अब ना आखिरी मरहलों पर है डिनर सारा मेरा जो रेडी मैं कर रही थी. अब मैंने चिप्स भी फ्राई होने के लिए डाल दी हैं, चावल भी बॉईल होने के लिए रख दी हैं. कल मैंने बिरयानी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा मसाला बन गया था, तो मैं अब थोड़े से चावल बॉईल कर रही हूँ, उसके साथ वो बिरयानी कर देंगे, चिप्स भी रेडी हो जाएंगे. लज़ानिया ओवन में है, बस सब कुछ झटपट से रेडी होगा. जो कपड़े मैंने स्टैंड पर डाले थे मैंने कहा बस इन्हें भी अंदर कर देती हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था. हल्की सी मैंने कहा था इन्हें हवा लग जाए बाहर तो फिर अंदर ही सूखते रहेंगे. सुबह अगर धूप निकल गई तो स्टैंड को ऐसे ही मैं बाहर कर दूँगी. तो मैंने कहा चलें जी ये भी डन करें. और मैं बस फिर बाहर गार्डन में आई. ओ इतना सुकून हुआ. ओ माई गॉड, अंदर इतनी गर्मी हुई हुई है कि बुरा हाल हो रहा है. चूल्हे जल रहे हैं, ओवन भी जल रहा है, तो बहुत गर्म हुआ है आज. वैसे भी गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी लग रही है. और आप मेरे पीछे में आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, देखें आसमान. ओ माय गॉड, देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. सुबह पता नहीं क्यों जब भी मैंने सुभान अल्लाह कहना होता है ना तो मेरे मुंह से माशाल्लाह निकल जाता है. देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है. मैं आप लोगों को प्रॉपरली अभी दिखाती हूँ. देखें आसमान किस कदर खूबसूरत रेडिश. मगरिब का टाइम होने वाला है ना, बल्कि हो रहा है मगरिब का टाइम, बस होने वाली है अजान. तो देखें कैसे सुर्खी छाई हुई है आसमान पर. इस वक्त ना वैसे खौफ भी आता है थोड़ा थोड़ा जब दिन और रात मिल रहे होते हैं. देखें
यहाँ से पूरा, इस साइड से पूरा ब्लू है, और इस साइड पे देखें सूरज जो उनसे डूब रहा है, तो ऐसे हुआ हुआ है। चिप्स ही ना मेरे जल गए हो। नहीं, चिप्स बस हो रहे हैं। फिर मैंने 35 मिनट्स लगाए थे, जो के देखें अब ये बजना शुरू हो गया, पूरे हो गए। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। ऐसे दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसके ऊपर से फॉइल उतार दूँगी ना, तो चीज़ थोड़ी थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अभी तो मैं ना इसको बिल्कुल हल्का कर देती हूँ ताकि गर्म रहे, ताकि जब वो आ जाएंगे तो बस तब उतारूँगी फॉइल। बल्कि अभी उतार देती हूँ। हाय हाय, मेरा ओवन गंदा हो गया है। ठहर जाए, इसे साफ करती हूँ फिर बंद करती हूँ। अच्छा चलो, बस अभी मैं मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ और मामा अभी तक नहीं आई हैं। चिप्स फ्राई हो गए हैं, लज़ानिया बन गया, चावल गर्म हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बट मामा नहीं आई। तो अब बस मैं फ़ोन करती हूँ और पता करती हूँ। मेरे अंकल बस मामा को लेके आ रहे हैं, 10-15 मिनट में उन्होंने पहुँच जाना है। खाला तो अपने घर पर ही हैं। मैंने उन्हें बहुत कहा कि वो आ जाएँ, लेकिन वो कहती हैं नहीं, वो बहुत थकी हुई हैं तो वो नहीं आ सकती हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं लज़ानिया ना पैक कर देती हूँ उनके लिए। एंड अभी मैं बोल रही थी ना, तो मैंने 2-3 बार कट किए हैं। देन आई रियलाइज़ कि हम आम ज़िंदगी में बहुत सारे वर्ड्स बहुत गलत बोलते हैं। जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की है ना, एडिटिंग करनी शुरू की है, वॉइस ओवर्स करने शुरू किए, आई रियलाइज़ कि मैं बहुत सारे वर्ड्स को बहुत गलत बोलती हूँ। एंड जब मैं बोल देती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ ओह, ये तो मैंने गलत बोला है, तो ये मुझे वर्ड को ठीक तरह से बोलना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ गलत बोलती होंगी, लेकिन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत बोली जाती हैं मुझसे, तो प्लीज़ उसके लिए ज़रा इग्नोर मार दिया करें। चलें जी, अब मैं उनके लिए लज़ानिया पैक करती हूँ और बाकी अपना टेबल लगाती हूँ। ये देखें, लज़ानिया रेडी है और ये खाला का ही डब्बा पड़ा हुआ है, इसमें डाल देती हूँ, लगता है वो लोग आ गए। हम इधर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शगुफ्ता? आप तो हमें भूल गई शगुफ्ता। Come on Hamza, get up, say hello face. I've got all your toys. Turn it off. Yeah, all your toys. I'm picking your toys. Zian, come on, say hello face. बेबी जलेबी, तुम्हें हम याद आ गए हैं बेबी है? None of us at home on our own. आपका इंतजार कर रहे थे बच्चे सारे कि पापा आ रहे हैं हमारे। इंशाल्लाह। चलो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। चलो टेबल लगाओ फटाफट, फिर बैठते हैं। एक प्लेट इधर। ईसा, हमजा, नानो, मामा, डैडी एंड ज़ियान इज आल्सो गोना प्ले। Wait, should we get the worst seat? ज़ियान, is your chips finished? I don't want mama. ईसा, आपने उसके चिप्स खा लिए हैं? कितनी बुरी बात है। Zion told him to. अच्छा ईसा, रखो फोक्स एंड नाइफ्स रखो। चलो बेटा डालो खाना, हमजा डालो। आपने क्या लेना है? चिप्स लेने हैं, थोड़े से चिप्स लो। अजहर अभी तक नहीं आया। चले मामा, आप भी डालना शुरू करें। हमजा, because daddy's gonna eat it in the TV room. डैडी ने टीवी रूम में खाना है। Yeah, because ये ले मामा जान। ले मामा, लज़ानिया ले। मैंने बड़े मजे का, बुरे अरसे बाद आपको ना मिडल से देती हूँ ताकि हार्ड ना आपको आए। थोड़ा सा इतना नहीं मैं खाऊंगी, तुम्हें तो पता ही है। बस चावल खाऊंगी। ये लो, लज़ानिया डालूं आपके लिए? ये लो, प्लेट करो। ये लो चिप्स लेने? नहीं, चिप्स नहीं लेने। चले अजय की भी प्लेट बनाती हूँ, बना देती हूँ। स्पून नहीं है आपके पास? फुल ओवन से निकला है ना, गर्म है। अम्मा आपने आपको छोटा स्पून दे दूं? ये नहीं, नहीं मामा, ये आपके लिए वो हो जाएगा। ये ले, छोटा ले लेना, आपको छोटे से खाना पसंद है। ये भी रख दो। छोड़, ये भी रख दूं साइड पे। अच्छा, ऐसा कैसा बना लज़ानिया?
I haven't tried it, but the rice is really good. Rice so good? That's the rice that we had yesterday. Yeah. So. Where they can you be each minute? That you wanted. Sorry. Why are you having so much? Yeah, my daddy ke liye dal rahi hu bete. Hamza, apne abhi ek leke rice bhi lene hai, okay? Yeah, I want rice. Good. Kaisa hai sa? It's hot. Really good. Really good? It's not even hot. Huh? Hamza, aapko acha laga? मामा जान आपको कैसा लगा? बहुत मजे का, मजा आ गया। मजा आया? चले दिए अजय को ट्रे में रख के देते। What do you mean you breakfast? Yeah. अजय? चावल लेने क्या? मैं भी डालती हूँ और मैं भी खाती हूँ। चावल कल बनाए थे तो चावलों में ना मसाला चिकन का बहुत ज्यादा था, तो आज फिर मैंने एक कप चावल ना और ऐड किया, हाँ उसमें ऐड किए हैं। ठीक किया ना? चलें जी अब खाते हैं खाना। बड़ी शदीद भूख लग रही है। बड़ा बेबी आपने मुझे इंतज़ार करवाया है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू, बट बहुत मज़े का लज़ानिया बना हुआ था, मज़ा आ गया। इतने मज़े का था, अपने हाथ देखे मैंने झूम लिए, बहुत मज़ा आया मुझे आज। या शायद बहुत अरसे बाद खाया है या भूख बहुत लगी हुई थी, जो भी था मज़ा आ गया। बहुत मज़े का बना हुआ था। कैसा था फिर लज़ानिया? मज़ा आया? हाँ बहुत मज़ा आया। ये सब ख़त्म हो गया है माशाल्लाह, थोड़ा सा रह गया लज़ानिया, अभी हम कल खाएंगे। चिप्स भी ये देखें, अजहर को थोड़ा सा और चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। इसमें है घूंट, थोड़ा घूंट पी लूँ। अच्छा जानू ने जब ना मैंने बुलाया ना मेरे अल्लाह फिर बेटे गुड नाइट ना मेरे गले लगा गुड नाइट इसने मुझे पप्पी। अब मेरी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आज का आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। ये जो मेरी पिक्चर आ रही है ना नीली पीली सी, प्लीज़ इस पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।